आपको जानकर हर्ष होगा, जब NDMC सिविल सोसाइटी के चुनाव में कूदा रविंद्रनाथ भारती का वह पैनल जो आज लिया भगवान वाल्मीकि से आशीर्वाद, और आशीर्वाद लेते समय उन लोगों ने क्या कुछ कहा जनसंसद से, आइए हम सुनाएंगे सर्वप्रथम रविंद्रनाथ भारती को। निर्णय लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के समय में वर्ष 2022 के सोसाइटी चुनाव में जो निर्णय हमारा कर्मचारी लिखेगा वह निर्णय NDMC के इतिहास में बहुत दूर का साबित होने वाला है। पहले कर्मचारी जब अपना निर्णय लेता था तो खाली एक सोसाइटी को इलेक्शन को लेकर के लिया जाता था, लेकिन इस बार जब नई दिल्ली नगर पालिका कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा तो उससे आग्रह है कि आप खाली सोसाइटी को मत देखें, आप अपना, अपने बच्चों का, अपने NDMC का भविष्य, यह सभी चीज़ें आपको तय करनी होंगी। चूँकि यह टीम खाली सोसाइटी में दलाली खाने या रिश्वत खाने इस सब चीज़ों के लिए नहीं आई है, इसका मुख्य एजेंडा है भ्रष्टाचार हटाना। हम सबको पता है कि NDMC में सोसाइटी में कितना भ्रष्टाचार है। हमने सोसाइटी में केवल भ्रष्टाचार को हटाने के लिए ही हमने निर्णय लिया है, इसीलिए हमने यह चुनाव लड़ने का फैसला किया है। नंबर वन, NDMC सोसाइटी में अगर आपको मेंबर बनना है तो किसी न किसी को दलाल को ढूंढना पड़ता है। अगर आपको फार्म लेना है तो भी किसी दलाल के माध्यम से ही आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको लोन लेना है तो भी दलाल के ही माध्यम से जाना पड़ेगा। आपसे वादा करते हैं आप सभी कर्मचारियों के कि 11 मार्च के बाद आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा सोसाइटी में जाएंगे। आपको मेंबर बनना है तो आप मेंबर 300 दिन बनेंगे, फार्म लेना है तो 300 दिन आपको फार्म मिलेगा, लोन लेना है तो 300 दिन फार्म मिलेगा। अगर यह कार्यक्रम जारी रहा तो इसमें किसी भी दलाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इस चुनाव में आई है तो उसका संकल्प है कि आपका एक एक मत दिया हुआ DTL वेतनमान, RMR कर्मचारियों को स्थायी किया जाना, हमारे मृतक कर्मचारियों को नौकरी दिया जाना, ये हमारे एजेंडे में था, है और रहेगी। अब 11 मार्च के बाद हम पूरी टीम के साथ सोसाइटी को एक सही व्यवस्था देते हुए हम आप सभी लोगों के जो बकाया हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं इन सभी को लेकर के हम लोग काम करेंगे। इन्हीं साहब शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप अपना आशीर्वाद दें जिससे कि जो हम वाल्मीकि मंदिर में संकल्प ले रहा हूँ, इस संकल्प को अपने पूरी टीम के साथ पूरा कर सकूं। पैनल सहित जीत भगवान महर्षि वाल्मीकि जी दिलाएं, ऐसी हमें आशा है। और रविंद्रनाथ भारती जो कि एक सशक्त नेता हैं, पहली बार वो सोसाइटी इलेक्शन में भाग लेने जा रहे हैं और उनकी टीम उनके साथ ये वादा करती है, एक नई विचारधारा के साथ इलेक्शन लड़ रही है कि जो काम 28 वर्षों में जो सत्ता में है लोग आज तक नहीं कर पाए, उसको रविंद्रनाथ भारती अगर पैनल से जीते तो पूरा भ्रष्टाचार सोसाइटी का ख़त्म कर देंगे। जिस जो कि फार्म लेने की प्रक्रिया है बहुत आसान बनाई जाएगी और जो लोन लेने की प्रक्रिया है बहुत आसान बनाई जाएगी। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि 700-800 लोगों को इन्होंने ओवर लोन दे रखा है, जिसकी वजह से जो हमारे अन्य कर्मचारी हैं वो लोन लेने से वंचित रह जाते हैं और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती समय पर, जैसे कि उनको शादी में लोन चाहिए या उनके बच्चे की एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, तो जो ओवर लोन ये लोगों को देते हैं उसके कारण वो इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं और समय पर उनको पैसा नहीं मिल पाता। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि जिस तरह DTL, RMR और डेथ केसेस के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी और महागठबंधन लड़ाई कर रहे हैं, उसी तरह सोसाइटी को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाया जाएगा और सोसाइटी
भी यूनियनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी, क्योंकि सोसाइटी के जो लोग चुन के जाते हैं वो सोसाइटी तक ही सीमित रह जाते हैं और किसी कर्मचारियों से उनका कोई लेना देना नहीं होता, जिससे कि अन्य कर्मचारी जो कि हमारी डिमांड है उनसे वंचित रह जाते हैं और उनके काम सही समय पर नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम ने, रविंद्रनाथ भारती ने ये निर्णय लिया है कि अगर सोसाइटी पैनल में हम जीत के आए तो दोनों जगह हम एक समान काम करेंगे और पूरी शक्ति से काम करेंगे, जिससे कि कर्मचारियों का भला हो सके। रविंद्रनाथ भारती पैनल की ओर से सदस्य प्रत्याशी यहाँ वाल्मीकि समाज मंदिर में अपने चुनाव प्रचार का शुरुआत किया है और हमारी सोच है कि बदलाव अगर आप चाहते हैं तो बदलाव लाएं, हमारे प्रयास में हमारा साथ दें। उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी भगवान वाल्मीकि मंदिर में हम दर्शन के लिए आए हैं और आज से हम अपना चुनाव प्रचार जोर शोर से भारती जी के पैनल के नाम से शुरू कर रहे हैं। सिंह वाल्मीकि मंदिर में आया हूं कि जो सोसाइटी में चुनाव हो रहा है चुनाव ठीक तरह से हो सके, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर हम जीत के आते हैं तो ऑडिट करा के एक एक पैसे आपको आप सुरक्षित रखेंगे और सुरक्षा में सबको पिता रविंद्र भारती जी के पैनल से आज महर्षि वाल्मीकि जी मंदिर में अपना प्राण लेने आई हूँ कि मैं अपनी सत्य और ईमानदारी से जो भी हमारा सब पैनल है ये आज प्रण करता है कि काम करेंगे। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि जिस पैनल से मैं खड़ा हूँ रविंद्रनाथ भारती पैनल को साथ दे रहे हैं, गलत बात है। और मैं ये कहूँगा कि सभी अपने सफाई कर्मचारियों को पहले एकजुट हो जाओ और एक जगह इस पैनल को वोट दो, और आपका कार्य है इस पैनल में रविंद्र कुमार सिंगला जी है, राजेश कुमार मैं खुद हूँ, हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि हेल्थ को कभी परेशानी होने देंगे, आओ और पाओ। जो कि सदस्य का चुनाव लड़ रहा हूँ, पैनल हमारा ये है, मैं गौर जी से ये कहना चाहता हूँ आप इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे, आज रविंद्र भारती जी हमारे बीच भगवान वाल्मीकि जी और गुरुओं का आशीर्वाद लेने आए हैं। मैं समस्त वाल्मीकि समाज के कर्मचारी और अधिकारियों से अपील करता हूं कि इस बदलाव को समझे और आने वाला भविष्य इस पैनल के साथ है और इनको भारी से भारी बहुमत से जितवाएं,